अभी भी चल रहा है काम, कर रहे हैं लोग काम, साथ में भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, मैं भी लगा हुआ हूँ। अब मेनली जो इसमें जो अभी एग्जिस्टिंग 200 फॉल्ट रोस्टर उसके अंदर मैंने एनालिसिस किया, तो एनालिसिस किया तो बहुत सारी खामियां हैं। जहां तक मेरा एनालिसिस है, ये एनालिसिस ये कहता है कि शुरुआत की अगर पोस्ट की मैं बात करूँ तो 30 पोस्ट अगर मैं ले लेता हूँ कि 13 पोस्ट जो पुराना रोस्टर है उसके अंदर 13 पोस्ट मैं ले लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे ओबीसी को भी टोटल रिजर्वेशन काउंट करके लेके चल रहा हूँ। मेरा एनालिसिस मैंने टोटल रिजर्वेशन को काउंट करके किया, ना कि एसटी एससी को सेपरेट किया, ओबीसी भी इंक्लूड किया। तो अगर मैं 30 पोस्ट की बात करूँ पुराने रोस्टर के अंदर, तो हमारा जो एसटी एससी ओबीसी का जो रिजर्वेशन बन रहा था 30.77। और अनरिजर्व का जो पोस्ट रिजर्वेशन बन रहा है, अनरिजर्व जो पोस्ट बन रहा है दैट इज 69.23। अगर 13 पोस्ट है तो 9 जा रही हैं अनरिजर्व को और 4 जा रही हैं रिजर्व कैटेगरी को। उसी तरह से अगर मैं 11 पोस्ट की बात करूं तो 11 पोस्ट में अगर मैं बात करूं कि 11 पोस्ट ही हैं, क्योंकि मोस्टली ये जो प्रॉब्लम आती है वो छोटे डिपार्टमेंटों के अंदर आती है, बड़े डिपार्टमेंटों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, छोटे डिपार्टमेंटों में आती है। तो अगर इसके अंदर देखा जाए 11 पोस्ट है किसी डिपार्टमेंट में टोटल, तो 8 बन रही है अनरिजर्व की और 3 बन रही है रिजर्व की। तो परसेंटेज देखा जाए तो 72.73 जो बन रहा है वो अनरिजर्व को पोस्ट जा रही है, रिजर्व को पोस्ट जा रही है 27.27। तो यानी कि ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर प्रॉब्लम है। बेसिकली अगर मैं जो डीओपीटी का 200 पॉइंट रोस्टर है, जो अभी थोड़ी देर पहले सर ने कहा कि जो सबर्बन वाले केस में डिसीजन आया, उस डिसीजन के तहत जो डीओपीटी ने रोस्टर बनाया दैट इज मेनली बेस्ड ऑन 2 पॉइंट। दो उसने अपने प्रिंसिपल बनाए, प्रिंसिपल लगाए, और वो प्रिंसिपल अपने आप में भी फॉलो नहीं होते। जो रोस्टर बनाया कि इसके अंदर हम 2 प्रिंसिपल लगा के इस रोस्टर को बना रहे हैं, जिसमें कि पहला जो प्रिंसिपल लगाया है इसने कि बेस्ड ऑन 2 बेसिकली फंडामेंटल प्रिंसिपल, जो पहला बेस्ड है रिजर्वेशन फॉर द एंटाइटल्ड कैटेगरीज इज टू बी कैप्ड विदिन द प्रेस्क्राइब परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन। यानी कि आपका 7.5 है, जब तक आपका 7.5 पूरा नहीं होगा, जब तक आपका 15 पूरा नहीं होगा, जब तक आपका 27 पूरा नहीं होगा, तब तक आपको हम पोस्ट नहीं देंगे, बाकी भी हम ही खाते रहे। यानी कि जो डीओपीटी ने बनाया, तो आई थिंक मोस्टली डीओपीटी में मैनेजर वाले लोग बैठे हुए हैं, जहाँ तक मैंने सोचा, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन वहाँ पे उन्होंने किया कि ठीक है जी 15 पार्ट कर दी कि 13 नहीं बन रहा, 13 पूरा नहीं बन रहा, 13 पूरा नहीं बन रहा, ठीक है जी मैं ही खा लेता हूँ, जब तुम्हारा बनेगा जब मैं देखूंगा। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज द जो इसका दूसरा प्रिंसिपल है दैट इज द रिजर्वेशन की नहीं किसी भी केस में 50% से ज़्यादा नहीं जाएगा। तो इसकी बहुत सारी कमियाँ हुई इस रोस्टर को, अपने आप में भी ये फॉलो नहीं हो रहा। जैसे कि अगर मैं 99 पोस्ट की बात करूं, तो 99 पोस्ट में देखा जाए तो एससी को दे रखी है, पर 98 की बात करूं तो वहां पे भी अगर देखा जाए तो वहां पे क्योंकि अपने आप में ये कमी है कि जब तक 15 नहीं होगा, यानी कि 7वीं पोस्ट एससी के लिए जाएगी, 14वीं पोस्ट एसटी के लिए जाएगी, फिर 15वीं पोस्ट जाएगी। अगर देखा जाए क्लेम कि मैं अगर इस डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से देखा जाए तो 14वीं पोस्ट पे एससी भी दे सकता है, एसटी भी दे सकता है, वहाँ पर कोई रूल किसी भी तरह का कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं किया, अपनी मर्जी से उन्होंने अलॉट कर दिया। तो इसके अंदर इस वजह से इन्होंने क्या किया कि शुरुआत में तो यूआर को ज़्यादा बढ़ते गए हैं, लास्ट में रिजर्व कैटेगरी को ज़्यादा बढ़ते गए। तो जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का डिसीजन आया, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि ये क्लस्टर ऑफ पोस्ट हो रही है, लास्ट में जाके किसी डिपार्टमेंट में लास्ट में जाके 4 रिजर्व की बन रही थी, उसमें अनरिजर्व वाले को अपॉर्चुनिटी मिल रही, तो कहीं ना कहीं इक्वल अपॉर्चुनिटी वायलेट हो रही है, तो आर्टिकल 14 और 16 का वायलेशन हो रहा है, उस वजह से आप डिपार्टमेंट वाइज रोस्टर बनाइए। तो ये यूजीसी ने भी 5 मार्च 2018 को कुछ ऐसा लेटर भेजा था। तो ये सारी कमियाँ को छोड़ते हुए, क्योंकि टाइम की बहुत शॉर्टेज है, तो सर ने जैसे कहा कि जो क्लस्टर को हटाते हुए, तो इन ये सारे जो शॉर्टकमिंग को ध्यान में रखते हुए मैंने 2 फ्रेंड और उन्होंने इस पर काम किया, एनालिसिस किया, तो कुछ प्रिंसिपल्स बनाए कि ये प्रिंसिपल के तहत अगर देखा जाए तो रोस्टर नया बनाया जाए, प्रपोज किया जाए, तो जो प्रपोज रोस्टर है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अभी जो मैं प्रपोज किया हुआ है, मेरा पेपर एक पब्लिश हुआ है, आर्टिकल भी पब्लिश हुआ है, तो अगर टोटल 13 पोस्ट है तो 13 में से 7 पोस्ट जा रहे हैं दैट इज द फॉर अनरिजर्व, क्योंकि उसका परसेंटेज जा रहा है 50.5% है, 49.5% रिजर्व कैटेगरी का, तो उसको 13 में से 7 पोस्ट जा रही है और रिजर्व तो जा रही है 13 में से 6 पोस्ट। अगर 11 पोस्ट है तो 13 में से जो 11 पोस्ट है 11 में से 6 पोस्ट जा रही है अनरिजर्व को और 5 पोस्ट जा रही है रिजर्व को। तो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक ये एक जो परसेंटेज को है वो इक्विलिटी में छोटी कम पोस्ट है, जहाँ पर 5, 6, 7, 8 पोस्ट है
दस ग्यारह पूछते माफ नहीं लेकिन कंपनसेट कर रहा है थोड़ा, हालांकि लास्ट में जाकर वही रिजर्वेशन 200 पॉइंट पे जाते नहीं पूरा हो रहा है। तो इसके अंदर जो प्रिंसिपल्स लगाए, जो मैंने तीन प्रिंसिपल बनाए बेसिकली फंडामेंटल, टोटल रिजर्वेशन शुड नॉट बी मोर देन 49.5, जबकि उन्होंने कहा कि 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैं तो 49.5 ही कह रहा हूँ कि उससे ज्यादा नहीं होगा। इन एनी सीरियल नंबर कोई भी पोस्ट आप ले लीजिए उस पर 49.5 से ज्यादा नहीं होगा। और द यू आर शुड ऑलवेज गेट 50.5%, चाहे आप 10 पोस्ट है, 20 पोस्ट है, 50 पोस्ट है, वो 55 पॉइंट उसको मिलेगा। 55 पॉइंट से हो सकता है 51 मिल जाए। इनिशियली दो पोस्ट छोड़ दीजिए उसके अलावा। तो उसी तरह से तीसरा, इसके अंदर जो मेथड लगाया जाता है दैट इज द सरप्लस मेथड, यानी कि पहली पोस्ट पे मैंने देखा कि पहली पोस्ट पे अनरिजर्व का बनता है 50, जो अनरिजर्व का परसेंटेज है दैट इज द अनरिजर्व का परसेंटेज 50.5 है, रिजर्व ओबीसी का 27% है, एससी का 15% है और एसटी का दड़ता 7.5%। तो पहली पोस्ट का अगर देखा जाए तो परसेंटेज निकाला जाए तो यहाँ पे पहली पोस्ट में सबसे ज्यादा जो बन रहा है, क्योंकि किसी को पहली पोस्ट किसी को अलॉट नहीं की गई है, तो उस वजह से क्योंकि सबसे ज्यादा बन रहा है दैट इज द फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, तो उस वजह से पहली पोस्ट उसको दे दी। दूसरी पोस्ट पर देखा जाए तो इसके अंदर भी अगर देखा जाए क्योंकि इसका सरप्लस बन रहा है 0.01 बन रहा है, तो कहीं ना कहीं कोर्ट में भी चैलेंज होगा कि भैया ये आपका रिजर्वेशन तो पूरा बना नहीं, आज वजह से पहली दूसरी पोस्ट भी कहीं ना कहीं अनरिजर्व दे दी। तीसरी पोस्ट पे ओबीसी आ गया, पहली पोस्ट पे सातवीं पे एससी आया था, अब इसमें पांचवी पोस्ट पे एससी आ गया, नवीं पोस्ट पे एसटी आ गया, इस तरह से कहीं ना कहीं पोस्ट पहले आ गई है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो छोटा डिपार्टमेंट है वहां पे हमारी पॉसिबिलिटी बनती है कि भाई कहीं ना कहीं इनको एक तरह से पहले रिजर्वेशन मिल जाए। तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट है इसका, बेनिफिट यही है, मैं अंत में यही कहूँगा कि जहाँ पे छोटे डिपार्टमेंट है वहाँ पे कहीं ना कहीं अगर ये रोस्टर इंप्लीमेंट होता है तो उसके सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमें प्रमोशंस में भी और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में भी होंगे। थैंक यू सो मच।